नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री, और आज देश की बात में बहुत कुछ लेकर हम आए हैं। एक देश एक टैक्स का रास्ता किस तरह से साफ हो गया है। राज्यसभा ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है। जाहिर सी बात है कि देश के लिए इसको एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है, खासकर आर्थिक खबरों में यदि देख कहा जाए तो शायद ये इस दशक की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर को पूरी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और इससे आपके और हमारे जेब पर कितना फर्क पड़ेगा उस असर को भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 12 के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप लगाने पर क्यों जोर दिया है और इसका क्या असर हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या लालकृष्ण आडवाणी के राष्ट्रपति बनने के सारे सपने अब टूट जाएंगे, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दिखाएंगे आपको कि बीजेपी के 38वें स्थापना दिवस पर पार्टी के खेवनहार नरेंद्र मोदी के सामने कौन सी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। बताएंगे आपको कि कैसे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी, और इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये भी आपको समझाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के हिंदू राष्ट्र के बयान पर क्यों हर तरफ शोर मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि क्या मुख्यमंत्री ने अपनी सीमा लांघी है इस बयान को देकर। अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए योगी जी में आज हम बात करेंगे शराबबंदी की, और क्यों महिलाएं शराबबंदी के साथ हैं और शराबबंदी न हो इसके खिलाफ हैं। एक शराब कैसे एक पूरे परिवार को, एक पूरे समाज को खराब कर देती है, इस असर को हम आपको दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करेंगे कि शराबबंदी जल्द से जल्द वो अपने राज्य में करवाएं। शुगनू कमेटी ने कैसे खोली है केजरीवाल सरकार की पोल, और एमसीडी चुनाव के ठीक पहले इन तमाम पोल खोल से कितना फर्क पड़ेगा केजरीवाल को, ये भी हम आपको बताएंगे। बात चीन की भी करेंगे, चीनी मीडिया ने क्यों कहा हमले का जवाब हमले से दिया जाए। सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद कैसे आमने सामने आए हैं अमेरिका और रूस, ये भी हम दिखाएंगे आपको, और इसका कितना असर पड़ेगा पूरे विश्व पर और भारत का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात इतिहास की होगी और बात सिने जगत की होगी, तो देश की बात में आज बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं हम और आप मिलकर इस नए सफर को। बाबरी विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज दिन भर इस मामले पर सीबीआई के वकील और बीजेपी के नेताओं के वकीलों ने दलीलें रखी। सीबीआई ने मांग की कि ये मुकदमा रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया जाए। अगर कोर्ट मुकदमा चलाने का फैसला दे देता है तो लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह जैसे कई बड़े नेताओं की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ से उनका पद भी निकल सकता है और आने वाले भविष्य पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। आज जिस तरह से कोर्ट के अंदर बहस हुई उससे 3 बातें स्पष्ट हो रही थी। पहली तो ये कि उनके खिलाफ जांच फिर से शुरू हो सकती है, ये पूरा मामला फिर से शुरू हो सकता है। दूसरा ये कि इस पूरे मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया जा सकता है। और तीसरा ये कि यदि ये दोनों चीज़ होता है तो आने वाले दिनों में इनके राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। देखिए क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में इस खास रिपोर्ट में। क्या लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? सीबीआई के वकील ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप फिर लगाया जाए, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है। सीबीआई ने ये मांग भी की मुकदमा लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चले। कोर्ट ने इस बात को डिलीबरेट किया है कि सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए ये मामला एक साथ कर दिया जाए या अलग करके
सारी जो धाराएं हैं आईपीसी की उसको अलग अलग चलाया जाए, उस पे कोर्ट ने डिलिबरेट किया है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में रायबरेली की कोर्ट में करीब 57 लोगों की गवाही ली जा चुकी है और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। सुनवाई के दौरान नेताओं की ओर से दलील दी गई कि मुकदमे की जगह बदलने की कोई जरूरत नहीं है और ये मामला रायबरेली में ही चलना चाहिए और अगर सीबीआई के पास सबूत हैं तो वो पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सुनवाई में जस्टिस आर एफ नरीमन ने कहा कि मामले में तीन गुट दिख रहे हैं, एक वो जो पूरे मामले के पीछे है, दूसरा वो जिसने उकसाया और तीसरा कार सेवक। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि विस्तृत संदर्भ में ये तीनों ही साजिश का हिस्सा हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम इंसाफ करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई को 2 हफ्तों के लिए टाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बाकी लोगों से लिखित में जवाब मांगा था। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार समेत करीब 12 नेताओं के नाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एक बड़ा मामला है ये, बड़े नाम है इस पूरे मामले में शामिल। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पूरे देश और खासकर तमाम वो लोग जो कि राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं, उनकी नज़र इस पूरे मामले पर थी। और जिस तरह से बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 12 के खिलाफ फिर से मुकदमा चलाने की मांग की है, सीबीआई की इस मांग के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। समझा जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों ही राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में उन पर बाबरी मामले में मुकदमा चलाने से उनकी दावेदारी बेहद कमजोर पड़ सकती है। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि किसकी सिफारिश पर सीबीआई ये सिफारिश कर रही है। बीजेपी को 2 सीटों में से 282 सीटों तक पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी के स्थापना दिवस पर उनकी गुरु दक्षिणा कुछ इस कदर दे दी गई। मोदी सरकार की सीबीआई ने बाबरी विध्वंस की साजिश में आडवाणी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। आडवाणी परामर्श आश्रम में परामर्श चिंतन में लीन है, इसलिए वो खुद को राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर बता रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज के दिन एक ऐसे महान संगठन का निर्माण हुआ कि जिसने हम सबको एक श्रेष्ठता दी, हमको एक जीवन में मार्ग दिखाया। दरअसल कुछ नेताओं का राजनीतिक स्वार्थ उन्हें रायसीना के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने नहीं देना चाहता। पार्टी के भीतर और बाहर नेताओं को हैरानी इस बात की है कि मोर मुकुट सब छीन लेने के बाद गुरु दक्षिणा में राष्ट्रपति पद दिया जाना तय था। खबरें तो यहां तक आई थी कि सोमनाथ में पिछले दिनों हुई एक मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के नाम को लेकर चर्चा की। हालांकि कई नेताओं ने इस खबर से साफ इनकार किया, फिर भी आडवाणी समर्थक ना उम्मीद नहीं हुए थे। दरअसल राजनीति निष्ठुरता का नाम है। बाबरी विध्वंस का मुकदमा चलने पर देश का शीर्ष संवैधानिक पद के लिए आडवाणी का चयन संभव नहीं है। ऐसे में पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के लिए आडवाणी का नाम खारिज करना आसान हो गया है, लेकिन खुलकर कोई कहने की हालत में नहीं। आडवाणी को गुरु दक्षिणा देने की खबर से पीएम मोदी की खूब वाहवाही हुई, लेकिन जानकार मानते हैं कि मोदी आडवाणी को राष्ट्रपति पद पर बिठा करके खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पिछले दिनों संसद में गतिरोध पर आडवाणी ने अपनी पार्टी पर भी नाराजगी जाहिर की थी और सोनिया गांधी से बात करने का प्रस्ताव दिया था। मोदी की नेतृत्व शैली को समझने वाले नेता अचकचा गए थे। पीएम मोदी को आगे विपक्ष से टकराव के मौके पर आडवाणी ने नैतिक आधार पर स्टैंड लेने का खतरा नजर आ रहा है, लेकिन संघ के दबाव की काट सीबीआई की सिफारिश से ही की जा सकती है। समझा जाता है कि सीबीआई को अदालत से आडवाणी पर बाबरी साजिश का मुकदमा चलाने की सिफारिश करने की साजिश की गई है। मुरली मनोहर जोशी को भी यूपी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया, लेकिन उन्हें बहुत मौका नहीं दिया गया। वो भी इस कदर नाराज थे कि अपने गृहनगर की 5 सीटों में से किसी के लिए भी प्रचार करने नहीं निकले। मुरली मनोहर जोशी भी आरएसएस नेताओं की संगति में लीन है, वो भी इस मुकदमे की भेंट चढ़ गए हैं। रहा सवाल उमा भारती का, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वैसे भी उमा जी से सहानुभूति किसे है, और वो राष्ट्रपति पद की दावेदार भी नहीं। ऐसा समझा जाता है कि पीएम मोदी किसी महिला को राष्ट्रपति बनाकर सबको चौंका सकते हैं। महिला उम्मीदवारों में सुषमा स्वराज, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में सरकार उसको ही राष्ट्रपति बनाने का मन बना रही है जो निरापद हो और खुद की अलग से छवि बनाने की कोशिश ना करे। सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कोई कोई दिन बहुत यादगार रह जाते हैं। आज जिस तरह से पूरा
मामला आया और आज ही के दिन बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जो कि इसके संस्थापकों में से एक हैं, क्या उन्हें लगा होगा? जाहिर सी बात है कि सोचने का विषय है और हम समझ सकते हैं। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। इस स्थापना दिवस पर बीजेपी ने साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा खाका खींचा है। पार्टी इस दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपने तमाम सांसदों को कि अगले चुनाव यानी कि 2019 की लड़ाई में उन्हें 400 सीटें चाहिए ताकि बीजेपी अभूतपूर्व जीत के साथ भारत के राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सके। अम्बेडकर जयंती के जरिए दलितों को भी लुभाने की योजना है और क्या दूसरी योजनाएं हैं बीजेपी की, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। और आप ये भी देखेंगे कि कैसे बीजेपी अब मोदी की बीजेपी हो गई है। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये किसी सियासी हस्ती का बर्थडे नहीं बल्कि बर्थडे है उस पार्टी का जिसने सिफर से शुरुआत करते हुए शिखर यानी सत्ता तक का सफर तय किया। बीजेपी के 38वें स्थापना दिवस और 37वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सेवा भाव का मंत्र दिया। इस मौके पर पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। हम गर्व से बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को याद करते हैं जिन्होंने एक एक ईंट से पार्टी की इमारत को खड़ा किया। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश भर के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास जताया। हम लगातार गरीब और पिछड़ों की सेवा करते रहेंगे। 6 अप्रैल 1980 से पहले तक बीजेपी जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। 1975 में आपातकाल के दौरान भारतीय जनसंघ और दूसरे राजनीतिक दलों ने महागठबंधन किया था और जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनता पार्टी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ा और 1977 में पार्टी को बड़ी जीत मिली। लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक कलह पैदा हो गई और जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गई। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन हुआ जिसके पहले अध्यक्ष बने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। लोकतंत्र अब सुरक्षित है और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने का काम हमारे सामने। स्थापना से लेकर अब तक के 37 सालों में बीजेपी का सफर कई उतार चढ़ाव के दौर से भरा रहा है। अटल आडवाणी की मेहनत से मजबूत नींव के साथ तैयार हुई बीजेपी अब केंद्र से लेकर कई राज्य में सत्ता की इमारतों में बैठी है। 1980 में स्थापना दिवस के दिन बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संबोधन में कमल खिलने का संदेश मजबूती से दिया था। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पार्टी को अटल आडवाणी ने अपने खून पसीने से सींचा। इसका नतीजा भी उन्हें सत्ता के रूप में मिला। बाद में दूसरी पंक्ति ने नेताओं ने बीजेपी को आगे बढ़ाया। फिलहाल बीजेपी मोदी युग में है। यूपी उत्तराखंड में बंपर जीत और 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद बीजेपी जीत के रंग में सराबोर है। पार्टी हाईकमान को अब 2019 के चुनावों की चिंता है। ऐसे में पार्टी ने 38वें स्थापना दिवस के साथ 2019 के चुनावी इम्तिहान की तैयारी शुरू करने का फैसला किया है। मिशन 2019 के चिंतन से जुड़ा कैंपेन स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक चलेगा। आज एक शुभ अवसर है। टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द लाइफ ऑफ द बीजेपी वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। टुडे इज द फाउंडेशन डे ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। वी हैव बिकम नाउ 37 इयर्स ओल्ड। In this long journey of 37 years, the party has become from a nationalist party to a national party and finally became a common man's party. अपने चिंतन अभियान में बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी।
बीजेपी के सभी सांसदों से अगले 8 दिनों में जनता के बीच जाकर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने को कहा गया है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के कामकाज पर असली मुहर अगर लगेगी तो 2019 के लोकसभा चुनावों में ही, इसलिए पार्टी के लिए आगे की राह भी चुनौतियों से भरी रहेगी। श्वेता कुमारी, APN नोएडा। तो इसमें कोई शक नहीं कि 38 साल पहले जब बीजेपी आई थी और जिस तरह से चाल चरित्र चेहरे की बात हुई थी, वो चाल और चरित्र चेहरा बदलते बदलते आज की तारीख में चाल चरित्र और चेहरा तीनों ही मोदी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे ज़्यादा दबाव है इस बात का भी कि बीजेपी की जो साख है वो किस तरह से पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में वो बनाए रखें। इसमें कोई शक नहीं कि इसके पहले भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे कि वो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, अगला सपना यही है बीजेपी युक्त भारत, इसीलिए 400 का लक्ष्य उन्होंने दे दिया है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी में जो नया बदलाव आया है वो बहुत कुछ कहता है। सामूहिक नेतृत्व की बात करने वाली बीजेपी के केंद्र में अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हिंदुत्व के नारे से अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाली बीजेपी विकास के नारे से केंद्र और राज्यों की सत्ता में काबिज हुई है। ऐसे में मोदी से पार्टी और देश की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए APN ने हमेशा आपको ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में नेता से ज्यादा जननायक बनने की क्षमता है। इन उम्मीदों के साथ PM मोदी के सामने चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं। कैसी चुनौतियां हैं और किस तरह से वो इससे निपट पाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। सैंतीस बरस की बीजेपी अब प्रौढ़ हो चली है। अब वो आदर्शों पर चलने के बजाय आदर्शों को ओढ़ने में ज्यादा यकीन करने लगी है। राम के नाम पर 2 सांसद से 282 सांसदों तक पहुंची बीजेपी इस बार विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के नाम पर सत्ता में आई। पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब बदल गया। पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी को राज्यों में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को गोद में बैठाने से गुरेज नहीं रहा, इसलिए चुनाव प्रचार में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ गरीब को अमीरों से, पिछड़ों को अहीर से, तो दलितों को जाटवों से मतभेदों पर ज्यादा तवज्जो दी गई। 3 तलाक से मुसलमानों के घर में भी दरार डाल दी गई। सही कहा जाए तो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी पहले से ज्यादा व्यवहारिक हो गई है। अब पार्टी के 2 चेहरे साफ नजर आते हैं। गौ हत्या तस्करी रोकने के नाम पर गुंडों को नसीहत देने के बावजूद अल्पसंख्यकों पर ज्यादतियां जारी हैं। दलितों पर आंसू बहाने के बावजूद उन पर अत्याचार बरकरार है। मोदी जी के विकास कार्यक्रम रास्ते से भटकते नजर आ रहे हैं। विदेशों से काला धन लाने और नोटबंदी से काले धन की लड़ाई की बात जुमला साबित हो गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था के फायदे जब होंगे तब होंगे, वो भी गरीबों तक पहुंचेंगे कि नहीं इसमें संदेह है। पार्टी आचार विचार और व्यवहार से बहुत सरोकार नहीं रखती। किसी जमाने में बीजेपी अपनी शुचिता और नैतिकता के लिए पहचानी जाती थी, लेकिन अब पार्टी प्रचार तंत्र पर विश्वास करती है। संसदीय लोकतंत्र में नई नीति और मार्केटिंग की रणनीति और भारी सरजाम के साथ चुनाव 2014 के पहले कभी नहीं लड़ा गया, लेकिन 2019 में इस कामयाबी को दोहराने के लिए मोदी जी को कोई ठोस पहल करनी पड़ेगी। रजत मिश्रा, APN। और इसी बीच संसद का मौजूदा सत्र खत्म होते ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये APN के सूत्र बता रहे हैं। 12 अप्रैल को संसद का बजट सत्र समाप्त हो रहा है। संभावित फेरबदल में जहां कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं कई चौंकाने वाले चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस साल जुलाई में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं। इनसे पहले ही होने वाला ये मंत्रिमंडल विस्तार कई बातें साफ कर सकता है। शिवसेना के कोटे से 1 केंद्रीय मंत्री पद खाली है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले बीजेपी से नाराज चल रही शिवसेना को मनाने के लिए 1 मंत्री पद दिया जा सकता है। पिछली बार हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में किसी सहयोगी दल को जगह नहीं दी गई थी, केवल रामदास अठावले को बाहर की पार्टी से लिया गया था। इतना ही नहीं, इस बार के फेरबदल में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं राज्यों के जो अब कैबिनेट में दिखाई दे सकते हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बतौर मुख्यमंत्री गोवा चले गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तबीयत साथ नहीं दे रही, तो कई नेता 75 साल की उम्र पार करने वाले हैं।
ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में फेरबदल करेंगे। माना जा रहा है कि मौजूदा सत्र के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा। इस बार कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का स्थान ले सकती हैं। पिछले काफी वक्त से सुषमा की तबीयत लगातार खराब चल रही है। खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे की जगह ओम माथुर को राजस्थान का सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल ओम माथुर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली लाने की थी, लेकिन उन्होंने भोपाल छोड़ने से मना कर दिया। जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली आने को तैयार बताए जा रहे हैं। मनोहर पर्रिकर के गोवा का सीएम बनने के बाद रक्षा मंत्रालय का जिम्मा वित्त मंत्री अरुण जेटली संभाल रहे हैं। जेटली पर एक साथ दो भारी भरकम मंत्रालयों का भार आ गया है। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी रक्षा मंत्री के तौर पर किसी नए चेहरे को मौका दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का कद भी बढ़ाया जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री की रेस में मनोज सिन्हा सबसे आखिर तक आगे थे, लेकिन अचानक आदित्यनाथ योगी ने उनको पीछे छोड़ दिया। खबर है कि मनोज सिन्हा की नाराजगी दूर करने के लिए मोदी सरकार में उनका कद बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल उनके पास दूरसंचार राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के कैबिनेट बदलाव में उन मंत्रियों के लिए दिक्कत हो सकती है जो 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं। माना जा रहा है कि 75 साल से अधिक उम्र वाले नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर रखने की पीएम मोदी की नीति की गाज उन पर गिर सकती है। इनमें सबसे पहला नाम कलराज मिश्र का है। सरकार उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत के बाद यहां से भी किसी नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक भगत सिंह कोश्यारी दौड़ में हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहां से भी कुछ चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएल। तो देश को विकास की राह पर ले जाने की कोशिशों में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के साहिबगंज में आज कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीवन में बदलाव के लिए विकास ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हाईवे, रेलवे, एयरवेज के बाद झारखंड के सामने वाटरवेज का रास्ता है और इसी रास्ते से झारखंड काफी आगे बढ़ सकता है। झारखंड के साहिबगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बनाए जाने वाले मल्टी मॉडल टर्मिनल समेत करीब 4000 करोड़ की लागत से बनने वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मोदी ने पहाड़िया बटालियन के लिए चयनित महिला सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा, तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सखी मंडल की सदस्यों को मोबाइल फोन भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, तो वही कहा कि विकास के मूल मंत्र से ही गरीब, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन बदला जा सकता है। हिंदुस्तान का आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सम्मान के साथ जिंदगी जीना चाहता है और मेरी पूरी शक्ति इन बच्चों के पीछे मैं लगा रहा हूं, इन नौजवानों के पीछे लगा रहा हूं, ताकि वो ही भारत के भाग्य बदलने के लिए एक नई ताकत के रूप में जुड़ जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि संथाल इलाके में एक साथ विकास के लिए आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया गया। देश में ईमानदारी के युग की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर उन्होंने नोटबंदी की चर्चा की। मोदी ने कहा कि नोटबंदी ने लोगों में ईमानदारी से जीने की इच्छा पैदा की है। जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। भाई, मेरे देश की युवा पीढ़ी में ईमानदारी का युग शुरू हुआ है, ईमानदारी से जीने की इच्छा पैदा हुई है, यही मेरे लिए शुभ संकेत है। भाइयों, देश के लिए शुभ संकेत है। गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल को पीएम ने झारखंड के लिए बड़ा बदलाव बताया। गंगा नदी पर बना ये टर्मिनल वाराणसी और हल्दिया के बीच जलमार्ग का हिस्सा है। इस टर्मिनल से बिहार और झारखंड के बीच की दूरी घटेगी। जलमार्ग के विकास के चलते झारखंड देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ेगा और खनिज आसानी से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वित्तीय साल 15-16 यानी 2015-16 की रिपोर्ट पर यदि नजर डालें तो झारखंड का ग्रोथ रेट, विकास दर जो है वो 12.14 था और इस मामले में वो बिहार और मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ चुका है। और अब जब उसे जल राह से जोड़ा जाएगा, जल के रास्ते से जोड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक अच्छा प्रभाव
झारखंड के विकास पर पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां काम करने की जरूरत है झारखंड में, वो है विद्युत का विभाग, जहां अभी भी काम करने की जरूरत है, शिक्षा और विद्युत। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है, उससे अब उम्मीद वहां पे और बढ़ रही है। जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी लागू होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। राज्यसभा ने आज जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया। ये चारों विधेयक लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की इन आशंकाओं को निर्मूल बताया कि इन विधेयकों के जरिए कराधान के मामले में संसद के अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है। जीएसटी में आज क्या कुछ रहा राज्यसभा में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की सरकार की उम्मीदों को उस वक्त बल मिला जब राज्यसभा में जीएसटी की अंतिम बाधा पार हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से जुड़े 4 संशोधित विधेयकों को पेश किया। ये बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटी जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन है। सरकार ने इस बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया, जिसे राज्यसभा में बिना किसी बदलाव के पास कर दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश हालांकि जीएसटी में एक संशोधन चाहते थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कहने पर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। इन व्यू ऑफ द स्टेट्समैनलाइक अप्रोच दैट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज एडवाइज्ड मी नॉट टू मूव दिस अमेंडमेंट इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ कंसेंसस to maintain the federal framework, to give respect to the GST Council, I am not moving this amendment at all. केंद्र सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है। जीएसटी लागू होने के बाद देश में सिर्फ एक टैक्स लगेगा। इसके लिए टैक्स का स्लैब भी तय हो गया है। करीब 14 साल पहले शुरू हुई अप्रत्यक्ष कर सुधार की मुहिम पर लोकसभा ने पहले ही सहमति की मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चारों विधेयक पारित होने के बाद उम्मीद जताई है कि जीएसटी अब 1 जुलाई से जरूर लागू हो जाएगा, जिसका काफी सकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। 4 कानूनों को पारित होने के बाद अब तो ये निश्चित ही है कि जीएसटी योजना के अनुसार लागू होगा। राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिलने के बाद राज्यों की विधानसभा जो SGST कानून है वो पारित करेंगी। अब ये आवश्यक है कि वो 31 विधानसभाएं 29 राज्यों की और 2 यूनियन टेरिटरीज की इसको शीघ्र पास कर दें, और इसके बाद 17 और 18 मई को जो कुछ रूल्स का फाइनल अप्रूवल है और रेट्स जो इसमें एक आखिरी पड़ाव होगा, हम लोग उसको भी अप्रूव करेंगे। और मुझे ये संभावना पूरी दिखती है कि 1 जुलाई से हम इसको लागू कर सकते हैं। तो लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अलवर कांड की हर पहलू से जांच का आश्वासन दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी दोषी को इस पूरे मामले में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली घटना करार दिया। उन्होंने हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अलवर में गौहत्या के नाम पर पिटाई से एक व्यक्ति के मौत का मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस घटना पर अफसोस जताया और सरकार से जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जब सरकार जिम्मेदारी से बचती है और भीड़ को किसी की हत्या की इजाजत देती है तो ऐसी घटनाएं ज्यादा होती है। What I have to say is that this is a new vision for India that Narendra Modi ji is propagating. It's a vision where only one idea will prevail. Any other idea, anybody who does not listen to and agree with Mr. Narendra Modi and the RSS has no place in India. That's the vision. सरकार ने अलवर की घटना पर विपक्ष के हमले का जवाब दिया। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी ने पक्ष रखा। राजनाथ ने कहा कि मामले की हर पहलू की जांच होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नकवी ने कहा कि जिस तरह की घटना पेश की जा रही है वैसी कोई घटना नहीं हुई है। जो पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। जहां तक अराजकता का सवाल है, अराजकता है, गुंडागर्दी है,
किसी भी तरह से ऐसी अराजकता को, ऐसी गुंडागर्दी को जस्टिफाई ना हम करते हैं ना करने का प्रश्न उठता है। ये जो भी घटना घटित हुई है उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। इतना मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरह से हमारा भी यह प्रयत्न होगा, केंद्र सरकार का भी प्रयत्न होगा कि इसमें न्याय संगत ही कार्रवाई होनी चाहिए। अलवर के बहरोड में 1 अप्रैल को एक वाहन में गायों को ले जा रहे 5 लोगों की पिटाई की गई थी, जिसमें एक घायल पहलू खान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था, जिसे लेकर संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इंसानियत जब गिरती है तो किस हद तक जाती है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन एक बात बेहद संदेह पैदा करने वाली है, संशय पैदा करने वाली है कि जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरी घटना पर अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने कहीं भी इस घटना से इनकार नहीं किया, नहीं उन्होंने स्वीकार किया हालांकि, लेकिन इनकार भी नहीं किया। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान कुछ ज्यादा जचा नहीं। बहरहाल इस पूरी घटना की जांच जरूरी है और इसमें जो कुछ भी हुआ है, जो भी दोषी है उन्हें सजा देना भी जरूरी है। आज संसद में कई अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक दिलचस्प तस्वीर तब सामने आई जब शिवसेना ने एयर इंडिया कर्मचारी से मारपीट के आरोपी पार्टी सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बचाव में आ गई और रविंद्र गायकवाड़ आज संसद में रहे। केंद्र सरकार और एयर इंडिया के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला। गायकवाड़ पर एयरलाइंस के बैन के खिलाफ शिवसेना सांसदों ने संसद में जमकर हंगामा किया तो सांसद संजय राउत ने बैन नहीं हटाने पर आगे भी संसद का कामकाज बाधित करने की चेतावनी दी। शिवसेना ने यहां तक धमकी दी कि यदि एयर इंडिया ने रविंद्र गायकवाड़ को टिकट देना शुरू नहीं किया तो एयर इंडिया का पूरा ऑपरेशन मुंबई से ठप कर दिया जाएगा और शिवसैनिक उसे ठप कर देंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जल्द ही इस पूरे मामले का हल निकाल लिया जाएगा और रविंद्र गायकवाड़ को टिकट्स मिलने लगेंगे। एयर इंडिया के कर्मचारी की पिटाई मामले में आरोपी शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने लोकसभा में इस पूरे मुद्दे पर सफाई दी। करीब 2 हफ्ते बाद संसद पहुंचे सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने खुद को विनम्र बताते हुए एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल मारने वाली घटना का जिक्र तक नहीं किया, जबकि अपने बयान में वो चप्पल मारने की बात कह चुके हैं। शिवसेना सांसद ने अपने व्यवहार के लिए सदन से माफी जरूर मांगी, लेकिन एयर इंडिया कर्मचारी से माफी मांगने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि आप शांति से बात करिए, मैं आपके साथ शांति से बात कर रहा हूं। फिर भी उनका चिल्लाना नहीं रुका, उल्टा उसने आप क्या हो ये सवाल पूछा। मैंने शांति से पूछा आप क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं एयर इंडिया का बाप हूं। मैंने कहा कि मैं MP हूं, तो वह चिल्ला कर बोला MP हुआ तो क्या हुआ, तू नरेंद्र मोदी है क्या। ये बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं इस देश के सार्वभौम संसद में क्षमा मांगता हूं। संसद की क्षमा मांगता हूं, वो अफसर की नहीं। रविंद्र गायकवाड़ के बाद शिवसेना सांसद और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनंत गीते ने भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जो जनता की सरकार है वो जांच किए बिना एक सांसद के ऊपर पाबंदी ला सकते हैं सारे उड़ानों पर, तो ये सबसे बड़े दर्दनाक और शर्मनाक बात है। और इसीलिए मैं सिविल एविएशन मंत्री जी से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार का एक तरफा निर्णय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पे माननीय गायकवाड़ जी जो सदन के माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी बयान दिया है और हमारी कोशिश होगी कि सब लोग मिलजुल कर इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि विमान में सभी एक समान यात्री होते हैं और विमान की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। If you want to diffuse the situation, we can diffuse it. If you want to aggravate the situation, you can aggravate it. But aircrafts are machines where people fly. And safety is important. And safety will not be compromised. ओडियन मंत्री के बयान पर शिवसेना ने जोरदार हंगामा किया। सदन में शिवसेना सांसदों ने मुंबई से एयरलाइन की उड़ान रोकने की भी धमकी दी। गायकवाड़ के मुद्दे पर मचे शोर के कारण
लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की। और यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिए गए अपने पहले साक्षात्कार में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को उन्होंने सही बताकर सनसनी फैला दी है। योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सबका साथ सबका विकास की बात कहके अल्पसंख्यक वर्ग में संदेह और भय को दूर करने का काम किया था, लेकिन उनके हिंदू राष्ट्र को सही ठहराने वाले बयान की विपक्ष अब भर्त्सना करने के साथ इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है। वो जो सोचते हैं वही करते हैं और वही कहते भी, चाहे किसी को पसंद हो या फिर नापसंद। योगी की ये खूबी है तो बुराई भी यही है। इसीलिए जब वो हिंदू राष्ट्र को सही ठहराते हैं तो विपक्ष और अल्पसंख्यकों में भय पैदा होना लाजमी। मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। आदित्यनाथ योगी ने ये बयान तब दिया जब वो एक संवैधानिक पद पर हैं और देश के संविधान की रक्षा की शपथ ले चुके हैं, उस संविधान की जो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का संविधान है। संविधान साफ कहता है कि सरकार के संचालन और नीति निर्धारण में मजहब या धर्म या पंथ का दखल नहीं होना चाहिए। साथ ही कानून, संविधान और सरकारी नीति के मामले में सभी धर्मों के लोगों को समान भाव से देखा जाना चाहिए। यही बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गोधरा दंगे के बाद तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को कही थी और इसके लिए शब्द दिया था राजधर्म। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। अब विपक्षी दल आदित्यनाथ योगी के इस बयान को संविधान के विरुद्ध बता रहे हैं। मायावती ने कहा है कि अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो सिख, पारसी और मुसलमान कहाँ जाएंगे। सीपीआई के डी राजा ने भी ऐसे बयानों को आने वाले वक्त के लिए खतरनाक बताया है। कांग्रेस को इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश नजर आ रही है। इनसे उम्मीद क्या किया जाए, इनसे क्या उम्मीद करें हम, सेक्युलर फैब्रिक की बात ये तो है ही नहीं। इनके तो संविधान में सोशल सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनके तो सोच में ही सेक्युलर फैब्रिक नहीं है, इनसे क्या उम्मीद करें। विपक्ष को धर्म और राजनीति का ये घालमेल संदिग्ध लग रहा है। राजनीति और धर्म का जहाँ जहाँ घालमेल हुआ वहाँ बर्बादी ही हुई। चाहे पश्चिमी देशों में चर्च के दखल का मसला हो या पश्चिमी एशिया में खिलाफत की स्थापना का ख्वाब, आधुनिक समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। योगी के पास प्रदेश में रहने वाले सभी धर्मावलंबियों के हितों की रक्षा की बागडोर है। ऐसे में आदित्यनाथ योगी अगर यूपी की जीत को हिंदू राज की भावना की जीत समझ रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी। योगी का अर्थ है आत्म संयम। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी की संयमी छवि बनी थी। धर्म निरपेक्ष देश के संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद देश और राज्यों के सभी प्रधान सेवकों ने पद, स्वीकृत आचरण, वाणी और परिधान धारण किए हैं जो किसी धर्म विशेष के प्रति निकटता का आभास देते हैं। योगी जी अगर सत्ता योगियों के लिए है तो योगियों को यौगिक संयम और समावेशी दृष्टिकोण धारण करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। नीतिकार कहते हैं कि जब राज्य मिलता है, जब सत्ता मिलती है, जब पद मिलता है, उसके साथ साथ ही आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है, जो वैचारिक स्वतंत्रता है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है, आपको राजधर्म का पालन करना ही होता है। ऐसे में आदित्यनाथ योगी का ये बयान जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो विरोध है उसको पैदा करता ही। हमने एक नई मुहिम शुरू की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पूरे राज्य को सुधारना चाहते हैं, हर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्हीं की मदद के लिए यह मुहिम है सुनिए योगी जी। और इसमें हम उन तमाम जगहों को दिखाते हैं, उन तमाम विषयों को उठाते हैं जहां पर सुधार की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही योगी सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में है और राज्य के बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लगातार ले रही है, ऐसे में अब उसे एक और क्षेत्र है जहां पर बड़ा फैसला लेने के लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि आज क्या है, सुनिए योगी जी में।
यूपी में शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन तेज हो रहा है, और हो भी क्यों ना, यूपी में शराब एक बड़ी समस्या के रूप में उभरती जा रही है। रोज की तरह आज भी राज्य के विभिन्न शहरों में महिलाओं के निशाने पर थी शराब की दुकानें। राज्य में शराब के खिलाफ एक नई सोच तेजी से परवान चढ़ रही है। शायद अब समय आ गया है कि गुजरात और बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाए। इससे कई घर बर्बाद होने से बच जाएंगे, कई बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा और कई महिलाओं के आभूषण नहीं बिकेंगे। शराबबंदी का फैसला लेकर मुख्यमंत्री जी, आप महिलाओं और बच्चों का दिल जीत सकते हैं और यूपी का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए शराब किस तरह से यूपी को खा रही है। यूपी में शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन तेज हो रहा है। रोज की तरह गुरुवार को भी राज्य के विभिन्न शहरों में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं का रौद्र रूप देखने को मिला। जौनपुर में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने ताड़तला इलाके की देसी शराब की दुकान पर धावा बोला और दुकान में जमकर तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। अरे वही मर्दे पीते हैं, ठीक से खर्चा पानी नहीं देते हैं, औरतों को मारते हैं पीटते हैं, यही सब के लिए आग लगाया गया। वही संभल जिले के चंदौसी कोतवाली के देवरिया खेड़ा गांव में देसी शराब की दुकान पर सैकड़ों महिलाओं ने धावा बोल दिया। हाथों में लाठी डंडे लेकर पहुंची महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उनकी मांग थी कि गांव से शराब की दुकान को हटाया जाए। शराब ने कई घरों को बर्बाद किया है। बरेली में भी शराब भट्टियों को हटाने का विरोध किया गया। कुछ ऐसा ही एक मामला बिजनौर के बुखारा इलाके में भी देखने को मिला, जहां शराब की नई दुकान खोले जाने का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध किया। आक्रोशित महिलाओं ने दुकान पर लगे बैनर पोस्टरों में आग लगा दी। हम नहीं चाहते ऐसा कोई काम हो जो कि मतलब समाज के लिए गलत साबित हो। खुलेगी तो आग लगा दें, आग लगा दें खुली में। हमारे ठीक बुखारा कॉलोनी भी सामने दुकान खोल रही है, इसमें बच्चे भी बूढ़े भी सभी मतलब जैसे आम जनता और लोग भी रुक के भी ट्रैफिक वाले भी शराब लेंगे। फिरोजबाद में महिलाओं ने कानून को चुनौती देते हुए बियर शॉप के बाहर जमकर तोड़फोड़ की और दुकान में आग लगा दी। मुख्यमंत्री जी आप देख सकते हैं शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। एक बात तो तय है कि शराब के खिलाफ देश में एक नई सोच तेजी से परवान चढ़ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में नीतीश कुमार को छोड़ किसी भी राजनीतिक पार्टी या उसके नेता ने शराबबंदी का वादा नहीं किया था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार देश में सबसे अधिक लगभग 35 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है, जिनकी लंबाई लगभग 8000 किलोमीटर है। इसके अलावा 100 के करीब राज्य राजमार्ग भी है, जिनकी लंबाई भी लगभग इतनी ही होगी। ऐसे में अगर इन राजमार्गों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से शराब की दुकानों को लेकर रोक लग रही है और उन्हें राजमार्गों से 500 मीटर दूर ले जाए जाने के लिए कहा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी क्या यह सुनहरा मौका नहीं है जब पूरे राज्य में शराबबंदी की घोषणा कर दी जाए? अगर हम गौर करें तो हमारे समाज में कई अपराधों की जड़ में शराब है। शराब घरों को नष्ट करती आई है, हत्याएं तक शराब के नशे में होती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध में शराब का बड़ा योगदान होता है। बहुत से लोग शराब के नशे में अपनी पत्नियों को तलाक तक दे देते हैं। मर्दों की शराब की लत के कारण महिलाओं का जीवन प्रभावित होता है। शराबबंदी का फैसला लेकर मुख्यमंत्री जी आप महिलाओं का दिल जीत लेंगे। शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आपके सामने है। रजत मिश्रा, APN। तो शराबबंदी को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता को अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहद उम्मीद है। केवल यही मसला नहीं बल्कि तमाम अन्य मसले भी हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्रियों को ध्यान देने की जरूरत है। वो मसले क्या हैं, APN उन तक लगातार पहुंचाता रहेगा और APN की मदद हमारे दर्शक भी इस पूरे मसले पर कर सकते हैं। यदि आपको भी लगता है कि कोई भी ऐसे विषय है, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित हो, तो आप APN से जुड़कर वो खबर हम तक पहुंचाएं, वो जानकारी हम तक पहुंचाएं और हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको बस सोशल मीडिया को फॉलो करना है। हमारा सोशल मीडिया है यानी कि ट्विटर पेज है हमारा
APN न्यूज इंडिया, आप इसे फॉलो करें और DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज के द्वारा आप अपनी जानकारी हम तक भेज सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027, इसके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपना वीडियो हम तक पहुंचाएं, अपनी खबर हम तक पहुंचाएं, हर वो चीज़ आप हम तक भेज सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित हो, हम उसे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज इंडिया, यहां पर आप लाइक कर सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। ईमेल के द्वारा जुड़ने के लिए आप हमारे साथ हमारा ईमेल आईडी जरूर लिखें contact@apnlive.com और इसके जरिए आप हमें से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। और यूपी के पड़ोस बिहार की बात कर लेते हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मिट्टी घोटाले के आरोप लगने के बाद नीतीश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार के मुख्य सचिव ने आज आदेश जारी करके 7 दिन में ही इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। लालू के पुत्र पर आरोप लगने के बाद बीजेपी ने इस मामले की जांच की मांग की थी। तेज प्रताप पर 90 लाख रुपए के घोटाले के आरोप हैं। बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने तेज प्रताप पर मिट्टी घोटाले का आरोप लगाया था। सुशील मोदी ने मंगलवार को कहा था कि सॉइल परचेज स्कीम के नाम पर नीतीश कुमार को पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि इसमें घोटाला हुआ था। उन्होंने जांच की मांग भी इस पूरे मामले में की थी। उनका आरोप था कि संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में मिट्टी की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिना टेंडर के 90 लाख रुपए की मिट्टी भराई का काम कराया गया और ये पूरा काम तेज प्रताप के मंत्रालय की देखरेख में हुआ है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार रामनवमी के बीजेपी के समारोह में शामिल हुए हैं, वहां पर भी सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को ये पूरी बात बताई है और उसके बाद नीतीश कुमार ने आते ही इस पर जांच के आदेश दिए हैं। कहीं ना कहीं ये अलग तरह के राजनीतिक संकेत भी दे रहे हैं। तो जहां तेज प्रताप की मुश्किलें बिहार में बढ़ रही हैं, वहीं पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किल दिल्ली में बढ़ गई है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि समिति के खुलासों से दिल्ली सरकार की अनियमितताओं का मामला पूरा उजागर हो गया है। शुंगलू रिपोर्ट की पहली खबर हमने आपको दिखाई थी, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में और किस तरह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में, और इससे MCD चुनाव पर कितना असर पड़ेगा वो भी गौरतलब है। जेठी मानहानि केस में राम जेठमलानी की फीस को लेकर मचे विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। चुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमला पर है। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की अनियमितताओं के कई मामले सामने आते दिखे। कमेटी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को गलत बताया तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए आवंटित बंगले के फैसले पर भी सवाल उठाए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को घर मुहैया कराने को लेकर के भी केजरीवाल सरकार घेरे में है तो आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी को गलत तरीके से टाइप 5 बंगला आवंटित करने का खुलासा भी इस रिपोर्ट में हुआ है। केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री का OSD बनाए जाने को लेकर के भी आरोप है तो दिल्ली में CCTV लगाने, मोहल्ला क्लिनिक और भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए 1030 सेवा शुरू करने की प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में है। आम आदमी पार्टी क्या तर्क दे रही है मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो उनको अधिकार है अपना तरफ का तर्क देने का। मैंने कोई ना रॉन्ग डूइंग फाइनलाइज की ना राइट डूइंग, मैंने सिर्फ जो तथ्य थे अपनी रिपोर्ट में लिखे। चुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इस तरह के आरोपों से केजरीवाल की छवि को धक्का लगा है जिसका खामियाजा खास तौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बिना इजाजत आप सरकार के मंत्री विदेश दौरे पर गए। दिल्ली सरकार की नियुक्तियों में भाई भतीजावाद हावी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। इसी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर ये शीला जी और हम लोगों को क्रिटिसाइज करते थे। आज शुंगलू खराब हो गए जब उन्होंने इनकी कमियां और इनके भ्रष्टाचार पकड़ लिया। केजरीवाल के खिलाफ में FIR लॉज होनी चाहिए और साथ ही साथ में इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आज बीजेपी गर्व से कह सकती है कि हमने जितनी बातें कही थी
वो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि सही थी बीजेपी। सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नसीब जंग की तरफ से केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वीके शुंगलू की अध्यक्षता में शुंगलू कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने केजरीवाल सरकार के 440 फैसलों से जुड़ी फाइलों को खंगाला। इनमें से 36 मामलों में फैसले लंबित होने के कारण फाइलें सरकार को लौटा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। नेशनल हेराल्ड प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया है। उनके खिलाफ पंचकुला में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हरियाणा सरकार ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए पंचकुला में नियमों के खिलाफ जमीन आवंटन का मामला सीबीआई को दिया था। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन कुमार चीता की पत्नी उमा सिंह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उमा ने फारूक अब्दुल्ला से कहा कि उन्हें ये बात बतानी होगी कि अगर पत्थर फेंकने वाले राष्ट्रवादी हैं तो फिर राष्ट्र विरोधी लोग कौन हैं। उमा ने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाज सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। देश की आर्थिक विकास दर साल 2017-18 में बढ़कर 7.4% और अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.6% हो सकती है। ये बात एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने कही। इस तरह आर्थिक विकास दर के मामले में भारत चीन से आगे बना रहेगा। कश्मीर घाटी अभी तक 2014 में आई बाढ़ की मार से पूरी तरह उभरी भी नहीं कि वहां फिर से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। कश्मीर में झेलम नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने की वजह से आज दक्षिण कश्मीर में कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर जिले में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। अनंतनाग के संगम में झेलम खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तूफान की आशंका के चलते घाटी के सभी जिलों में 24 घंटे आपातकाल हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के अरुणाचल दौरे को लेकर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले वहां के कई अखबारों में भारत को निशाना बनाते हुए रिश्तों को बिगाड़ने की चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि हमले का जवाब हम हमले से देंगे, लेकिन दलाई लामा ने कहा कि चीन बेकार में गुस्सा रहा है। चीन की सरकारी मीडिया चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स में छपे दो एडिटोरियल के जरिए चेतावनी दी गई है कि भारत ने दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा को लेकर अगर अपना रुख नहीं बदला तो हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। चाइना डेली में छपे एडिटोरियल के मुताबिक अगर भारत अपना गंदा खेल जारी रखता है तो पेकिंग को हमले का जवाब हमले से देने में संकोच नहीं करना चाहिए। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने कश्मीर का बिना नाम लिए ये चेतावनी दी है कि चीन उस इलाके में दखल दे सकता है। इस एडिटोरियल में चीन की भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा जीडीपी और सैन्य क्षमताओं की शेखी भगाते हुए ये ध्यान दिलाया गया है कि उसके भारत के पास पड़ोस के मुल्कों से अच्छे रिश्ते हैं। माना जा रहा है कि चीन दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी और उनकी टिप्पणियों से बेहद नाराज है। रिजिजू ने कहा था कि चीन को दलाई लामा के दौरे पर ना आपत्ति करनी चाहिए और ना ही भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहिए। ऐसे में चाइना डेली और ग्लोबल टाइम्स के लेख को चीन सरकार की नाराजगी से जोड़ कर देखा जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल में लिखा है दलाई लामा इस विवादित इलाके में पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार फर्क ये है कि भारत के जूनियर होम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने न केवल उनकी अगवानी की बल्कि उनके साथ दौरे के दौरान बने भी रहे। मंत्री ने दक्षिणी तिब्बत को भारत का हिस्सा बताया था। चीन की बौखलाहट बिल्कुल जाहिर है। उधर सीरिया की बात करते हैं। सीरिया में हुए केमिकल हमले में 100 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि अगर वो कोई फैसला नहीं लेता है तो वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर देगा। वहीं दूसरी ओर रूस ने सीरिया में हुए रासायनिक हमलों के लिए सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह असद का समर्थन करता रहेगा, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमलों के लिए सीरिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये दोनों तस्वीरें यूं तो अलग अलग जगह और वक्त की हैं, लेकिन दोनों तस्वीरों का दर्द एक सा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली 3 साल के मासूम एलान कुर्दी की तस्वीर के बाद अब जुड़वा सीरियाई मासूमों की तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया को झकझोर दिया है। इन मासूमों को ये भी पता नहीं कि आखिर उन्हें किस गुनाह की सजा मिली। सीरिया में हुए रासायनिक हमले में जान गंवाने वाले 9 महीने के जुड़वा आया और अहमद के शव को बाहों में लेकर बिलखते पिता अब्देल हमीद अल यूसेफ
को देखकर इंसान और इंसानियत की बातों से भरोसा उठने लगता है। सीरिया में हुए रासायनिक हमले के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर यूएन ने सीरिया में हुए केमिकल अटैक पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वो अपने स्तर पर आगे बढ़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने इस हमले का जिक्र किया। निकी हेली ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार नाकामयाब रहता है तो ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें खुद कार्रवाई के लिए आगे आना होगा। हालांकि सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के ठिकाने पर रासायनिक हमले से इनकार किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया में हुआ केमिकल अटैक कई सीमाओं को लांघ गया है। उन्होंने इस हमले को इंसानियत पर किया गया हमला बताया। सीरिया के इदलिब प्रांत में मंगलवार को हुए हवाई हमले के बाद जहरीली गैस से करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इसमें 11 बच्चे भी शामिल थे। इन बच्चों में 9 महीने के जुड़वा आया और अहमद भी थे, जिनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस रासायनिक हमले की निंदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। किसी जन्नत की जहन्नुम बनने की कहानी है सीरिया की ये स्थिति। बहरहाल अब हम बात करते हैं अपने जमाने के डैशिंग अभिनेताओं से, एक समय के अमिताभ बच्चन को टक्कर देने वाले विनोद खन्ना की, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वे ब्लैडर के कैंसर से जूझ रहे हैं। अभी उनके परिवार या डॉक्टर ने खबर पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वे बेहद बीमार हैं और कमजोर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी पत्नी कविता और बेटा साक्षी खन्ना उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विनोद खन्ना ने एक हॉस्पिटल से दिया हुआ एक कपड़ा पहना है, जबकि नीचे उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है, और ऐसे में उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीमार हैं। विनोद खन्ना जल्द से जल्द स्वस्थ हों और सबके सामने एक बार फिर से आ सकें, इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज के इतिहास की। और आज 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने पहली अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था। 6 अप्रैल 1931 में भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का बंगाल में जन्म हुआ था, और 6 अप्रैल 1956 में पूर्व क्रिकेटर और कप्तान रहे दिलीप वेंगसरकर का महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। तो आज भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री का जन्मदिन है जिसने शोहरत की ऊंचाइयां छूने के बाद अपने जिंदगी के 35 बरस गुमनाम रहकर गुजारे। इसीलिए हिंदुस्तान की ग्रेटा गार्बो वो कहलाती हैं, सुचित्रा सेन। जी हाँ, ग्रेटा गार्बो की तरह वो भी कई बरस किसी को नजर नहीं आई। उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड ये कहकर ठुकरा दिया कि वो अवार्ड लेने घर से बाहर नहीं निकलेंगी। सुचित्रा सेन का सौंदर्य उनकी अभिनय क्षमता में 4 चांद लगा देता था। शुरुआत बांग्ला फिल्मों से हुई। उत्तम कुमार के साथ उनकी जोड़ी हिट रही। 20 बरस तक उनके साथ फिल्में की, लेकिन रिश्ते प्रोफेशनल रहे। सुचित्रा सेन ने कुल मिलाकर 7 हिंदी फिल्में की हैं। बिमल रॉय ने उन्हें देवदास में लिया। इसमें पारो का चरित्र निभाकर इस किरदार को उन्होंने अमर कर दिया। इसके बाद मुसाफिर, सरहद, बम्बई का बाबू और इसके अलावा फिल्म आंधी। गुलजार के निर्देशन में संजीव कुमार के साथ सुचित्रा सेन की अभिनय क्षमता उभर कर सामने आई। सुचित्रा सेन को पर्दे पर देखना एक अनुभव है। तो सुचित्रा सेन के खूबसूरत पलों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज देश की बातें बस इतना ही। नमस्कार।